Hello everyone, welcome to our channel Cozy Study. I hope you all are doing good. आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल थ्योरीज, सिद्धांतों का वर्गीकरण. सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको ये बात जाननी जरूरी होगी कि इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो फिर दिमाग घूमने लगता है कि कौन सी थ्योरी पढ़े, कौन सी छोड़ें, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है, और किस थ्योरी ने आना है, किसने नहीं आना. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई थ्योरी कभी भी नहीं आएगी, लेकिन किस थ्योरी के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मैंने उसको इस हिसाब से क्लासीफाई करा है. और मैंने ये कोशिश करी है कि उन थ्योरीज़ को अलग अलग सेक्शन में बांट दूँ, ताकि आपको एक पता चल जाए कि कौन सी थ्योरी किस इज्म में है, किसके किस सेक्शन के अंदर आती है. तो आपको पता चल जाएगा आपको किस हिसाब से पढ़ना है वन बाय वन. अगर आप उसको इस हिसाब से बांट के पढ़ लेंगे तो आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा. तो हम जो थ्योरीज हैं उनको 8 भागों में बांट सकते हैं और उनको अलग अलग क्लासीफाई कर लेते हैं. इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हर थ्योरीज में क्या डिफरेंस है. वो जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने वो थ्योरी दी तो क्यों दी, उसके द्वारा जो हम जो पढ़ रहे हैं इन सब थ्योरीज को, इन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी थी उनको क्यों पढ़ रहे हैं, उनसे क्या लर्निंग होती है, और किस क्षेत्र में मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में उसका उस लर्निंग का हमारा योगदान है. तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज और उनके साइकोलॉजिस्ट. और हाँ, उस ये थ्योरीज पढ़ने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप केवल थ्योरी थ्योरी ना पढ़ें, उसी को पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें. अपनी थ्योरी पढ़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपकी थ्योरी उतनी अच्छे से आपको समझ में आएगी. तो सबसे पहले है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद. तो इसके अंदर जो 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं आपके, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव. तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर का. दूसरा था स्किनर, जिन्होंने दिया था सक्रिय अनुबंध का, ऑपरेशनल कंडीशनिंग का. और तीसरे हमारे पेवलोव, पेवलोव ने दिया था आपका क्लासिकल कंडीशनिंग का, शास्त्रीय अनुबंध का. इन्होंने अपना प्रयास जो अपना जो अनुप्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था, स्किनर ने चूहे पे किया था, और पेवलोव ने जो किया था अपना कुत्ते पे प्रयोग किया था. उसके बाद है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास. इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं वो है हमारे जीन पियाजे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी है संज्ञानात्मक विकास की. तीसरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत. तो इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिन्होंने थ्योरी दी है वो है वाइगोट्स की. हमारी तीन हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 भागों में. चौथा जो आता है आपका वो होता है गेस्टाल्ट. तो गेस्टाल्ट के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो है हमारे कोहलर, कोपका और मैक्स वर्दिमर. तो ये जो विचारधारा को अपनाते थे ये लोग, ये जो थे इनको बोलते थे हम गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता था इन्हें. उसके बाद है ह्यूमनिज्म यानी मानवतावादी. मानवतावादी में आपके अंडर जो थ्योरीज जिन्होंने दी है वो है आपके मैस्लो और रोजर. कि मैस्लो और रोजर ने अपने आपकी मानवतावादी या ह्यूमनिज्म पे थ्योरीज अपनी दी है. छठवा है आपका मॉरल डेवलपमेंट या फिर नैतिक विकास. तो इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं कोलबर्ग, जेम्स मर्का और मैस्लो. मैस्लो आपका ह्यूमनिज्म में भी आता है और मॉरल डेवलपमेंट में भी आता है. सातवीं आपकी थ्योरी आती है, जो सातवां जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो है साइको सोशल डेवलपमेंट, मनो सामाजिक विकास. इसमें जो अपनी थ्योरी दी है वो दी है एरिक्सन ने. आठवां आपका है लर्निंग थ्योरीज. तो लर्निंग थ्योरीज या फिर सीखने की थ्योरीज जो दी है, सीखने के सिद्धांत, वो दी है ब्रूनर ने और डेविड ऑसिबल ने. तो ये सारी थ्योरीज हमारी जो अलग अलग भागों में मैंने डिवाइड कर दी. तो अगर आप इसको एक बार ऐसे डिवाइड कर लो और उसके बाद वन बाय वन उन थ्योरीज को पढ़ो तो आपके लिए थ्योरीज पढ़ना इजी हो जाएगा. बजाय आप अगर उसको एक तरफ से एक तरफ पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. नाउ गुड लक.